नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में अखिल भारतीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से करीबन 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल व 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 14 वर्ष की आयु वर्ग तथा 18 वर्ष की आयु वर्ग व 21 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों के साथ साथ पैरा खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पारदर्शिता लाने के लिए पहली बार सॉफ्टवेयर द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने वाले को 21,000 रुपये की राशि बतौर इनाम दी जाएगी। वहीं इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी आगामी अहमदाबाद में होने वाली प्री नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी प्रभजोत का कहना है कि यहां आकर उन्हें अच्छा लगा है और अपनी कला दिखाने का भी मौके मिला। पहली बार इस प्रतियोगिता में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर द्वारा नतीजे निकालने जाएंगे तो क्योंकि कोच द्वारा गलती भी हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर सही और गलत का निर्णय सही करता है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सर, इसको बेहतर बनाने के लिए अभी आपको सामने बताया कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटी अब यूज़ कर रहे हैं। किसी बच्चे के साथ कोई भी स्कोरिंग के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इन्होंने नया स्टार्ट किया है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ मैं जैसे शूटिंग रेंज की। और जो भी बाहर से यूपी से दिल्ली से यहाँ से भी शूटर आ रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी फैसिलिटी देने की, किसी तरह की भी कमी ना आए, उनको रहने की खाने की सारी फैसिलिटी जे सी डी शूटिंग रेंज के अंदर हमने उपलब्ध करवा रखी है। लगभग हमें उम्मीद है कि 250-300 शूटर जरूर आएंगे। 200 तक एंट्री आ चुकी है हमारे पास और उम्मीद करते हैं कि परसों तक लगभग 100 स्टूडेंट्स की और एंट्री हमारे पास पहुँच जाएगी। चार दिन चलेगी सर, 28 से लेकर 31 तारीख तक। और 31 तारीख को जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मेन हमारे जो बहुत ही यंग चीफ गेस्ट हैं, मार्गदर्शन है अर्जुन चौटाला जी, वो क्लोजिंग सेरेमनी पर आएंगे। सभी बच्चों को जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने हाथों से करेंगे और संदीप शर्मा मैडम भी उनके साथ। चैंपियनशिप ऑल ओवर इंडिया की हो रही है, ये ओपन चैंपियनशिप है। यहाँ लगभग हमें उम्मीद है कि 350 के आसपास बच्चों के भाग लेने की उम्मीद है कि ऑल ओवर इंडिया से। मेरे को जैसे लास्ट डे पता लगा कि दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा तो है ही है, राजस्थान से, एमपी से बच्चों कॉल्स आ रहे हैं और वो टीम यहाँ पर चैंपियनशिप के लिए पहुँच रही है। सर, यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स के चैंपियनशिप हो रही है। सर, एज ग्रुप है अंडर 14, अंडर 18, 21 और वेटरन्स भी हैं इसके अंदर, जो 60 ईयर्स के अबव हैं उनको भी हम मौका दे रहे हैं यहाँ पर खेलने का। और पैराशूटर्स के यहाँ भी वो भी इवेंट है, वो भी बच्चे कोई भी आ सकता है जो पैरा हैं, उनका भी इसके अंदर इवेंट में अंदर चैंपियनशिप के अंदर है। सर, ये अभी नेक्स्ट मंथ अहमदाबाद के अंदर प्री नेशनल हो रही है जो कि ऑल ओवर इंडिया की है। वहाँ पर थाउजेंड ऑफ शूटर्स पार्टिसिपेंट करते हैं। उनके पहले ये एक आप समझ लीजिए ट्रेनिंग है बच्चों का, बहुत बड़ा कंपटीशन लेवल है। सबसे जो गोल्ड आएगा उसका 21,000 रुपीज़ यहाँ प्राइस है। और जो मैं एक नई चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो सिर्फ अपनी ही जे सी डी के अंदर फर्स्ट टाइम अवेलेबल हुई है, वो ये है कि जो यहाँ पर स्कोरिंग होगी वो टोटली सॉफ्टवेयर के साथ होगी, जो कि पहले कभी नहीं हुई। इसके अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। जो भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर कमी नहीं निकालेगा। मैं कमी मेरे में हो सकती है, इनमें किसी में हो सकती है, आदमी करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर आई थिंक 99% बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसके अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया ये शूटिंग कंपटीशन। हमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हमें अपनी काबिलियत को आगे प्रदर्शित करने का मौका मिला। इसको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे जब भी कंपटीशन में हम जाते हैं तो कोच जो भी काउंटिंग करते हैं उनसे कोई कोई गलती हो जाती है, एक नंबर आगे हो जाता है, एक नंबर पीछे होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो कभी भी गलती नहीं करता, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है।